हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम मोहक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मोहक गेमिंग। तो भाई सोचा मैं वापस ही आ जाऊँ अब प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, थोड़ा सा देख लूँ और अच्छे अच्छे वीडियो डालना स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे नया फ़ोन मिल गया है A50 सैमसंग गैलेक्सी और भाई SDR अल्ट्रा चलता है भाई, मस्त गेम प्ले भाई, मस्त चलता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके क्यों ना हम यूट्यूब स्टार्ट करें। तो भाई सीन ऐसा था कि हम जाने वाले थे नोवो या फिर थोड़ा सा हॉट ड्रॉप लेने वाले थे, बट थोड़ा सा हॉल पे भाई जंग छिड़ गई भाई, देख रहे हो क्या क्या। तो मैंने हॉल को भाई बंद किया, मैंने कहा छोड़ो यार अपने ऑडियंस को अच्छा ना लगेगा पता। तो मैंने सोचा चलो और मिलिट्री चल के इनका गेम पे खराब करते हैं। तो भाई जैसे मैंने कूदा वैसे मैंने देखा कि एक दो डुओ और कूद रही मेरे साथ। तो भाई लग तो रहा था एक दो डुओ है, बट वहाँ जाके भाई मालूम पड़ा भाई कुछ ज़्यादा ही आ गई हैं, तीन चार भाई डुओ आ गए। तो जब जा रहे थे जैसे भी मिलिट्री इतना फेमस है भाई, वहाँ पे कौन कौन नहीं आता है ठीक है। तो बस हम लोग सोचे चलो धमाल मचाते क्यों ना। तो भाई जैसे मैं जा रहा था कोई सीन नहीं था, आराम से लैंड कर रहा था। मैंने सोचा कि यार एक दो होंगे आराम से इनको मार के ख़त्म करके लूट लाट के निकल लेंगे, बट हमको मिलती है फ्लेयर। तो भाई दो तो यहीं डुको दिख गए। अगर फ्लेयर मिलती है और भाई अपना भाई छोड़े ना फ्लेयर को, ऐसा हो नहीं सकता भाई छोड़ दे। मैंने मंगाई M249 और ओम भाई जो M249 से जो भाई धमाल मचाया है ना, अपना नंबर एक जो था भाई घुसता हर जगह था कि हमको किल मिलेंगे, हमको किल मिलेंगे आज भाई, हमको मिलेंगे भाई। लेकिन उसका क्या ख़राब नसीब था, कुछ नहीं मिला। तो मैंने जैसे देखा कि दो बंदे यहाँ उतरे लेकिन वो अंदर घुस गया, तो मैंने कहा छोड़ो यार क्या करना। फिर इतने मुझे सुनाई देता है पीछे से गॉड फायर, तो मैंने कहा यार कौन ये टप टप कर रहा है। फिर मैंने देखा यार शायद बोट है और एक बोट तो इधर से भागते हुए। मैंने कहा क्यों ना भाई बोट को किल लेके जाएं, फ्री किल कौन छोड़ता भाई। तो मैंने उसको बहुत कोशिश की लेकिन एक तो BSS इतना लेट ड्रॉप है उसका कि वहाँ तक लगती नहीं है। तो भाई मैं नीचे कूदा और सोचा पास जाके मारूँ। फिर मैंने देखा कि एक बंदा है शायद वहाँ पे जो उसको ख़त्म कर रहा है, तो मैंने कहा उस बंदे को ख़त्म कर देता हूँ मैं। इतने में दूसरा बंदा आया कूद कूद के भाई जा रहा, तो मैंने कहा यही डुओ इनका है, ये लोग शायद बोट वोट को लूट ला के लोग गेम प्ले स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा छोड़ो हम लूट करें। इतने में कहता मेरे को DP मिली और मेरे सामने से बंदा भाई भागते हुए गया भाई। मैंने कहा ये बंदा कहाँ जा रहा भाई, दूसरा मेरे को देख ही नहीं रहा भाई, उसने नोटिस नहीं किया। अब देखा उसने, मैंने कहा भाई वो भाई वो भाई, तो मैंने शायद ये सोलो वर्सेस डुओ खेला भाई, ऐसे ना गेमिंग का भाई था। तो मैंने कहा जा भाई दोबारा स्टार्ट कर, शायद तुम्हारे लिए लॉबी अच्छी नहीं आई है। तो भाई सीन ऐसा था कि मैंने कहा जल्दी लूटो यहाँ पे और फटाफट यहाँ पे 3x जो भी था मेरे का जो बेसिक लूट होती है उसको लूट के मैं निकल गया। तो इतने में भाई नंबर हमारा एक भी आ गया था पास में, उसने दूसरी बिल्डिंग लूट के। तो हमने कहा थोड़ा सा ये बिल्डिंग थोड़ा सा लूट लेते हैं और फिर निकलते हैं दूसरी बिल्डिंग में, इन पर रश करते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरा लूट हो गया है तू चल मेरे संग अब। तो इतने में क्या था कि अब वो भाई लूटने में इतनी बिजी, हमने कहा चलना। तो मैंने स्पॉटिंग करने स्टार्ट की कि हाँ मेरे को दिखा बंदा सामने वाली खिड़की से पिक कर रहा है। तो इतने में क्या था मैंने देने की कोशिश की, बट टॉमी यार चूतिया बने भाई, कुछ पड़ता नहीं उससे। अब मैंने DP उठाई, DP में 3x था मुझे जो पहले ही मिल गया था, तो मैंने उसका दूर से स्पॉटिंग करने की कोशिश की। इतने में वो पिक लेता है भाई दोबारा, देख रहे हो वो, देखो देखो खिड़की में पिक ले रहा है। तो मैंने कहा चल अब तू पिक कर, मैंने थोड़ा सा लिया क्योंकि जब कोई बंदा ऐसे पिक करता है तो उसका मतलब जाहिर सी बात है उसके पास या फिर स्नाइपर गन है या फिर कुछ और ठीक है। तो मैंने कहा ओ भाई उसने शॉट बहुत अच्छा था, अच्छा दिया, तो हेलमेट पूरा मेरा उड़ा दिया। तो मैंने कहा भाई से पंगा लेने वाली है तू, नंबर वन तू उधर से पिक कर मैं इसको देखता हूँ ठीक है। तो इतने में क्या था कि जब वो नंबर उसने कहा कि भाई रश करते हैं इन पर, तो मैंने कहा ठीक है चल रश करते हैं। अब भाई वो फटाफट आगे घुस रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा लूट लिया चल 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 हाँ हाँ अच्छी नहीं मिले। मैंने कहा AKM M4 मिलेगी तो भाई उसमें लगा लूँगा एक्सीडेंट में। मैंने कहा भाई वो जैसे देखा मैंने जा रहा आगे, तो मैंने उसको कवर देने की कोशिश की, इतने में सामने वाला बंदा उसको कवर लेने दोस्तों, मैंने उसको मार सकता हूँ फटाफट और भाई वो क्या ही बचता है। और दूसरा बंदा उसने फिनिश कर दिया। तो एक डुओ जो पहले उतरा था जो राइट साइड, वो दूसरे से फाइट लेकर इधर आ गया था ठीक है। अब इतने में क्या था जो मैंने VSS से देने की कोशिश की थी वो बंदे इधर हैं। इतने में क्या था भाई मैंने कहा कि भाई रुक थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फुटस्टेप आ रही थी बहुत तगड़ी। और फिर मैं सोचा एक नेड मारते हैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन अभी भाई सीढ़ियाँ देख रहे हो भाई, सीढ़ियों से नेड ही नहीं जाएगा यहाँ पे। तो मैंने कहा चल छोड़ अब रश करते हैं। इतने मैंने देखा कि बंदे जो हैं वो राइट साइड आ गए हैं, तो मैंने कहा
क्यों ना इनको मजा चखा, एक अगर नॉक हो गया तो काम बन जाएगा। तो मैंने जब नेट किया भाई, फट से फूटा भाई। मैंने कहा भाग भाग भाग, चल चल चल, नंबर वन जल्दी आ। अब इतने में क्या था कि भाई मेरा लगा नहीं उसकी डी पी भाई, डी पी और टॉमी से क्या भाई कंपेरिजन। तो भाई मैं तो गया भाई, मैं तो नंबर वन से कहता भाई प्लीज़ प्लीज़ बचा ले, प्लीज़ नंबर वन बचा ले, बचा ले प्लीज़ प्लीज़ बचा ले। और उसने फिनिश कर दी भाई। मैंने कहा भाई रैंडम अच्छे होते हैं कुछ तो। अब भाई वो रिवाइव कर रहा है, इतने में मुझे उसको उसको बताया उसने कि मेरे पास प्लेयर है। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, मैं रिवाइव हो गया। मैंने कहा लूटता हूँ फटाफट, तो मैं हेल्थ लगाता हूँ वैसे और फटाफट लूटने चला जाता हूँ। तो मेरे को मिलती है यहाँ पे M762 दीप पापा गन। भाई क्या ही गन है, ना M4 ना स्कारल, ओनली ग्रोजा कैन बीट हिम। यहाँ उजी भी कर सकती है, लेकिन भाई वक्त वक्त की बात है, जो पहले स्प्रे करे वो जीता शहंशाह। तो भाई जैसे ही मैंने लूटा, मुझे एटक मिला। मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं, मैंने माफ़ करके छोड़ दिया उसे। अब सीन ऐसा था ना कि भाई लूट तो हो गई थी, अरे यार मम्मी की सीटी भाई इग्नोर। अब भाई घर में है तो भाई कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो अब सीन ऐसा था कि भाई जब हो गया लूट हम लोग का, तो उसने कहा फ्लेयर है मेरे पास। तो मैंने कहा एक बार रुक जा भाई, देख लेता हूँ शायद बंदे बंदे कोई तो नहीं है। तो मैं जैसे ही कूदा, मैंने कहा एक बार राइट साइड में चेक कर गया, तो क्या पता कोई भाई छुपा रुस्तम हो। और इधर का वैसे लूटे नहीं था, उसने सारा डब्बे सारे लूट लिए थे कुत्ते ने। तो मैंने कहा छोड़ देख लेता हूँ एक बार, बंदे बंदे तो नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा स्पॉटिंग करने की कोशिश की, बट मुझे कोई नहीं दिखा। तो तब तक भाई ने क्या किया, फ्लेयर मंगा लिया। मैं सोचा जब तो मेरे को फुटसे बात ही ना भाई, इसके पास था इसलिए मार दिया। और भाई देख लो इसकी इतनी किस्मत बेकार, इसके पास पूरी गन थी, बट लूटने पहले गया। लेकिन मैंने क्या सीधा टैप टैप जल्दी फास्ट फास्ट। और ऐसा क्या होता है ना भाई, आप भी क्या करो, जैसे कोई ड्रॉप दिखाए सीधा टैप टैप करके स्टार्ट किया करो, आपको कोई भी गन होती है मिल जाती है। ठीक है, तो मेरे को मिल गई M4 और जो स्टैंडर्ड मैच था मैंने लगा लिया। तो इतने में मुझे को लगा कि मेरे पास M4 की गोलियाँ कम है। तो मैंने जैसे ही देखा ऊपर, मैं सोचा एक है ड्रॉप। मैंने कहा ठीक है तब तो मैं M4 की गोलियाँ ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चिल करता हूँ। तब तक देखा भाई एक फ्लेयर मेरे को यहाँ मिली, इसका मतलब इसको फ्लेयर यहाँ पे जो थी उसने वो एमओ उठा दी। इसका मतलब उसके बाद दो फ्लेयर भाई, जैसे मैंने ऊपर देखा एक नहीं दो दो आ रही हैं। तो मैंने कहा आह अब मज़ा आएगा भाई। तो मैंने सोचा भाई कोई पीछे बंदा जो उधर ऑफिस से आते हैं उधर के कहीं बंदे तो नहीं हैं, तो भाई पीछे से भर दें भाई हम लोग लुटते रह जाएं। तो मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि अब होते बंदे तो अब तक फाइट लेने आ जाते हैं, फिर हम लोग कुछ ना कुछ कर देते। तो मैंने कहा चल ड्रॉप लुटते हैं फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ड्रॉप आ गया और मैंने देखा भाई मेरी मनपसंद M249 प्लस ओम, भाई दोनों मेरे को मिल चुकी हैं। पहले मैं भाई M4 जो होती है भाई इतनी ओपी गन है भाई, छोड़ने का दिल नहीं करता भाई, दिल से भाई प्यार लगता भाई M4 के लिए। तो मैंने कहा छोड़ यार एक गेम है नहीं यूज़ करते हैं, तब मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आज M249 स्टार्ट करते हैं। भाई किस्मत की बढ़िया कि M249 भाई दिल जीते। तो मैंने सोचा भाई मुझे मिल गई है स्नैपर, और मैं चला जाता हूँ भाई देखता हूँ यार एटक वेटक से। भाई एटक कहाँ गया, उठा ली शायद उसने। भाई मैंने भाई कहा स्कोप दे मेरे को यार, ये तुम्हारे स्कोप स्कोप रखते तुम क्या करोगे यार। तो मेरे को लगता शायद उसके पास भी स्नैपर थी इसलिए उसने शायद उठा लिया हो। तो मैंने कहा एक बार चेक करते ड्रॉप में उसने क्या रखे छोड़ा, तो उसने स्कारल शायद बोल सब उसको मिली। तो अब भाई तब तक वो देखा मैंने नंबर वन भाई इतनी दूर चला गया और कॉल दे रहा है भाई फोम ऑफ मम्मी। तो मैंने कहा हो सकता बंदे बंदे, बट वहाँ जाकर भाई कुछ भी नहीं मिला, एक भी बंदा नहीं था। पर्ची हमको दौड़ा दिया भाई उसने, इतनी पैन भाई मेहनत लगती है, स्टेमिना होता भाई। तब तो वो गाड़ी ले आया, मैंने कहा भाई गाड़ी देखा गाड़ी ले आया, तो मैंने कहा गाड़ी में बैठ और चल रश करते हैं यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा सा एमो ड्रॉप कर दे इसको मेरे पास फालतू, तो उसने ले ली शायद उसका ग्रोजा थी हाँ एग्जैक्टली, और हम लोग चल दिए। तो इतने में क्या गया हम लोग ने, हम लोग निकल गए वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने देखा भाई कहाँ जा रहा है भाई, पूरा मिलिट्री के बैक साइड जा रहा है। फिर मैंने देखा अच्छा दूर में एक फ्लेयर है, इसका मतलब ये शायद फ्लेयर के पास ले आ रहा है, शायद वहाँ पे बंदे हैं इसलिए इसने कहा था चलो चलो चलो। तो भाई मैंने कहा चल, अब भाई ये ठोक ठोक के भाई पता नहीं रात दिन एक कर देगा लेकिन निकाल नहीं पाएगा। फिर एक इसी तरह लड़ लड़ाते हुए निकाला, फिर हमने कहा भाई इतने में होता बंदा भर देता कोई भी ओम शॉट।
और हम लोग वहीं पे पढ़े होते। तो जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा भाई वहाँ पे फ्लेयर है थी पास से निकालना है, कोई अगर लेटा बेटा हो सांप आप वो जानते हो सांप आप होती हैं भाई भर देगा। तो हम लोग देखा दूर दूर तक स्पॉट किया बट हम लोग को एक बंदा नहीं नज़र आया, इसका मतलब वो जो बंदा था वही लूटर था। तो बंदा लूट लाट के भाग गया पहली फुर्सत में, बहुत तेज भागा वो। और जो ये बंदा था वो हम लोग को आगे मिलता है, हैं और इसमें कोरोना वायरस भी आता है जी हाँ इसमें कोरोना वायरस भी आता है। तो उन्होंने थोड़ा सा मस्ती मजा करके लूट पाट के बहुत देर तक, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और जब तक मेरी M249 लोड हो जाए फिर हम लोग निकल गए बहुत तेज़ी से और ESP हैकर अपना लगा कर बहुत तेज़ स्पीड से भाग गए। तो अब हम लोग क्या था कि कोई बंदे होंगे तो बंदा इधर साइड भागा होगा बट इधर साइड नहीं भागा था वो, पता नहीं भाग गया पहली फुर्सत में। तो हम लोग थोड़ा सा मिलिट्री इधर से चेक करके निकल गए। तो जब जा रहे थे हम लोग फिर मिलते हैं हम लोग कोरोना वायरस, आगे मिलेंगे अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा ऊँच नीच हो जाती ऊपर नीचे हमारे। तो इधर के घर लूटे थे तो मैंने कहा हो सकते बंदे हों बट कोई नहीं था वहाँ पे, इधर भी लूटे था फुल बट कोई नहीं था। तो हम लोग जा ही रहे थे आज की सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा भाई यहाँ पे तो गाना भी नहीं गा सकते दिल को कंट्रोल किया। तो बस अब जा रहे हैं। तो इतने में क्या था अभी नहीं रुक जाओ हाँ अब इतने में क्या था कि हम लोग जब जा रहे थे तो एक तूफान सा जो बंदा वो नहीं था जो बंदे के लिए भागा था वहाँ से ड्रॉप रूट पे वो हमारा यही कोरोना वायरस था। अब हम लोग को मिल गया कोरोना वायरस। तो भाई मैंने देने की कोशिश की एक दो शॉट पड़े और मैंने थोड़ा सा स्कोप लगाया लेकिन वो रिश के ऊपर चला गया। तो हम लोग जा रहे थे शायद भाग गया होगा भाई भाई, लेकिन ये था सबसे बड़ा रो मतलब बहुत अच्छा। अब ये भाई कूद गए, शायद इनकी बाइक गिर गई या फिर ये कूद गए और एक गाड़ी से बच गए। तो अब ये नंबर वन सोचा कि भाई मैं खेल लूँगा बट इसकी किस्मत में इतना वो था कि कोरोना वायरस का स्पेलिंग भी नहीं आती इसे तो ये किल नहीं मिला इसको और हमारे कोरोना वायरस चले गए। तो इससे हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज़ आसानी से आ सकती है तो जा भी सकती है। तो हमारा लॉकडाउन जल्दी खुल जाएगा, हमने कोरोना वायरस इसमें क्या था दिया सीन की। अब हम लोग सोचा यहाँ से गाड़ी से निकलते हैं बहुत होगी रोड पर और हम लोग बस जा ही रहे हैं। क्या दिखा मेरे को एक गाड़ी ओ भाई मारो मुझे मारो भाई क्या ही क्या हुआ भाई भाई पहले कूद के सोचा मैं किले के यहाँ पे मार दूंगा ऐसे तो नहीं होता ब्रो भाई। M2 फोन है कि जलवे हैं भाई क्या टप टप दिया भाई एक स्प्रे में भाई दोनों खा गए भाई। इसीलिए भाई M2 फोन है बेस्ट है भाई 100 बुलेट्स रंग और इसका 5 KMO जो लगती भाई वो भी होती है जो M4 में आती है भाई गजब का यहाँ पे भसड़ होने बाद। फिर मैंने कहा अब फटाफट लूटो और आगे कंटेंट के लिए आगे की ज़रूरत है और भाई अपना कंटेंट बेकार नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा जल्दी निकल यहाँ से थोड़ा सा किल विल लेते हैं और पूरा नोवो देखने के बाद कोई नहीं मिला तो एग्जाम तो हमने बंदा और मैं मार दूँ। और इतने में क्या था भाई ये अपना बंदा कूदा सोचा मैं मारूंगा बट मैं बैठे बैठे इसको भर दिया और इसको फिर से किल नहीं मिला। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि पहले नहीं घुसना चाहिए। तो बस फिर मैं अपना ESP हैक लगा कर वापस बंदों की तलाश में चला गया और मैं ब्रिज पे देख ही रहा था शायद कोई बंदा हो प्लीज़ मिल जाए केले एक किल दे दो प्लीज़ बाबा प्लीज़ 10 किल हो जाएंगे मेरे। क्या कोई नहीं था मैंने कहा ठीक है भगवान जी प्लीज़ पबजी को प्लीज़ एक किल दे दो। मैंने देखा गाड़ी स्पॉन थी बट वहाँ बंदा नहीं था गाड़ी स्पॉन वाली थी
अब यहाँ पे क्या था, भाई को पहला केस मिलने का पूरा पूरा मौका, पहला नहीं दूसरा था, एक बॉडी मारा था उसने, यहाँ मैंने देखा बट स्पॉट मैंने नहीं किया तब तक और उसने मार दिया। मैंने कहा बढ़िया काम किया, गुड बाय, अच्छा रैंडम था, मतलब ये सब काम बढ़िया कर रहा था। तब तक मैंने देखा छोड़ो छोड़ो लूट वूट करो, लूट फर्स्ट भाई, बिना लूट के भाई कोई काम ही नहीं होता है यहाँ पे। और मैंने गाड़ी देखी तब तक मैं डर गया भाई, गाड़ी बंदा, मैंने चेक भी किया लेकिन वहाँ बंदा नहीं था, शायद वो गाड़ी छोड़ के भाग गया, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा छोड़ो देखते हैं, और तब तक मैं जा ही रहा था तो इतने में मुझे लगा शायद कोई ना हो, बट एकदम बम से आवाज आई, ये कौन है, मैंने सोचा शायद बंदा हो, बट मैंने पूछा भी नंबर वन से कि भाई क्या बंदा था क्या, बट वो शायद उसी ने फेंका था, शायद रैंडम या फिर बहुत ज़्यादा उसके बाद नीड वेड आ गए थे, बट कोई नहीं था। लिव इट एनी अदर वे, भाई ने चलाई क्लियर। यहाँ पर मुझे आवाज़ आई थी पहले बट मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, मेरे समय देख रहा था स्पॉट खटका। अब जब भाई ने जब चला दी क्लियर तो मैंने कहा यार कितनी क्लियर इस गेम में भाई, क्लियर ही क्लियर। मैंने उससे पूछा यू डिड, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, बहुत ख़राब लगा मुझे। मैंने कहा छोड़ो, होगा तो ठीक नहीं होगा तो ठीक, मैंने फिर हम लोग वापस में गाड़ी बैठ के वहाँ से निकल गए। इतने में मैंने देखा भाई ये प्लेयर का छोड़ के ड्रॉप जा रहा है, तो मैंने कहा भाई ओपी लेवल, इसके कहते हैं 100 IQ, क्योंकि भाई प्लेयर हमने चलाई इसको मतलब बंदे नहीं है, अब ड्रॉप पे बंदे आ सकते हैं। तो फटाफट मैंने कहा छोड़ो भाई, वो तब भी कूद नहीं पाया, मैंने जब कूद के ड्रॉप लूटा कुछ नहीं था। इतने में मेरे को दिखती है एक गाड़ी आते हुए, तो मैंने कहा भाई शायद रश ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग खुले में इजीली मर सकते। मैंने एक प्री नेट करके उसे डरा दिया ताकि वो पीछे हट जाए वहाँ पर अगर हो तो। फिर मैं जब राइट से, मैंने कहा छोड़ो राइट से फ्लैंक मारते हैं, मैंने स्पॉट किया कि वो बंदा घर में घुस गया है। मैंने देने कोशिश की M249, तो मैं जल्दी से भाई इससे पहले वो छत पे आए मुझे भर दे, मैं फटाफट जल्दी से क्रॉस किया रोड और एक प्री नेट मैंने मार दिया, जो मैंने हग दिया वहाँ पर नेट नहीं गया, तो भाई वो नीचे टकरा के नीचे गिर गया। बट कोई ना, मेरे पास और भी नेट थे भाई, देख रहे हो 7 नेट और मैंने पूरा, उसने शायद ग्रोजा हो पीते हैं उसको पता नहीं भाई, क्यों मौत कर रहे थे भाई, मेरे को नहीं मिला वहाँ पर। मैंने हर जगह नेट को नहीं कुछ की बिक, बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ते, मैंने कहा चलो पूरा बीट करके उसको मारते हैं, बट नहीं मरा। फिर मैंने कोशिश की शायद वो आगे लेटा हो, आगे कोशिश करता हूँ आगे देने की कोशिश की, नहीं भाई जब किस्मत में नहीं होता ना एक किल नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा छोटा हो सकता है छोटे यहाँ में या फिर वहाँ पे हो किनारे कॉर्नर में, मैंने वहाँ भी नेट कोशिश, मैंने कहा छोड़ो अब वो घुस गया अंदर, उसने मार दिया है, जब किल नहीं मिलना होता तो नहीं मिलता, तो मैंने कहा छोड़ो यार भाई कभी थोड़ा सा प्लस हो जाए यार, भाई 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 खुश हो जाए। तो इससे इसने में क्या हुआ कि वहाँ से पड़ता है एक ओम का शॉट, ओम था या K98 पता नहीं, वहाँ पर स्पॉट नहीं किया मैंने भाई। मैं देखता रह गया वहाँ, पूछता रह गया भाई बंदा कहाँ से मारा, कहाँ से मारा, कहाँ है लोकेशन मार्क करो प्लीज़ भाई, रैंडम अपनी मर्ज़ी के हैं, वो चाहेंगे तब आपसे बात करेंगे, वो चाहेंगे तभी आपसे काम हो पाएगा, वरना आप बड़बड़ाते रहेंगे कुछ नहीं काम होगा। तो मैंने भाई एक प्री वहाँ पे ऑम शॉट मारा, मैंने सोचा शायद वहाँ पे से पिक करो, बट वहाँ पे भी नहीं था भाई। मैंने कहा छोड़ो सीधा ऊपर जाओ, ऊपर लूट लूट करते भाई, लूट के अंदर गंदी हालत है भाई, लूट फर्स्ट। बट नहीं मिला, हाँ आगे देख लो भाई, नहीं मिला भाई, मैं तरस गया भाई, कहाँ से मार रहा है, स्पॉट ही नहीं हो रहा भाई, क्या है बात भाई, ऐसा कहाँ से मारता भाई, वो तो अपनी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, शायद वो ऑम था लिया था, क्योंकि जो हमने फ्लेयर चलाई थी वो ऑम ही से उसने लूट के शायद मार रहा था। इतने में क्या किया, मैं सोचा यार उठ के मैं पिक दूँ और मुझे, मेरे पास बंदा है मुझे मालूम पड़ जाएगी लोकेशन और मुझे देगा, तो इतने में क्या किया उसने मेरे को ना मार के इसको मारा, बट मेरे को तब भी स्पॉट नहीं हुआ भाई, मेरे को डर लगा भाई छोटी छाते कहीं मुझे ना मर दे भाई, पूरा गेम पे ख़राब हो रहा है, पूरा कंटेंट मेरा पानी में मिट्टी में मिल जाएगा, प्लीज बचा लो गॉड भाई। मैंने कहा लेट जाओ
जाओ भाई। मैंने कहा दूर की आंखें अपनी तेज करके देखी, भाई नहीं दिख रहा, प्लीज़ बता दे मेरे दोस्त, नहीं दिख रहा मेरे को कुछ। नहीं छोड़ो, वो अपनी मर्जी के मालिक है। मैंने देखा एक कर क्या रहा है, पता नहीं, कोई शॉट भी नहीं दे रहा है, कोई पिक भी नहीं कर रहा है। अपना भाई तो वहाँ पे चला गया, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कहाँ है भाई। बहुत बड़ा कैंपर था भाई, जब चाहेगा तब शॉट मारेगा, जब चाहेगा नहीं मारेगा। बस भाई इतने जब तक टाइम है तो बता दूँ भाई, मेरा इंस्टाग्राम है मोह, एक सेकेंड बंदा दिखा, एक नेट देता हूँ, मैंने नेट देने की कोशिश की भाई, उसने भर दिया। अब भाई नंबर और मैंने लगा था कि ड्रेस करेगा और मैंने उसको भर दिया। ऐश भाई थे फनेटिक के, उनको मैंने मार दिया है ये। अब भाई मैंने इसको रिवाइव किया, मैंने कहीं पीछे वाला बंदा गया और बचे हैं तीन बंदे, और जोन उधर ही जाने वाला है क्योंकि हम लोग एच पे हैं और एच पे कभी जोन नहीं कटता है, बीच में सेंटर में आता है, और मुझे लग रहा था उधर साइड जाएगा। इतने में मैंने सोचा कि भाई ऊपर वाले को फिर से स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, यार क्या पता भाई बंदा दिख जाए। भाई इसके बाद ऑम थी यार, मैंने पहले क्यों डब्बा नहीं खोला है भाई। मैं इसको फिर से 3x3x हटा के, 6x हटा के, नीड वेड उठा के फुल लूट करने लगा। कहाँ बंदे मर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, एक बंदा वैसे ही कम हो गया, चार बंदे बचे हैं, अभी नॉक किया जिसको अभी ख़त्म ही हो जाएगा भाई। मैंने सोचा यार थोड़ा ड्रिंक मार के फुल बूट हो जाए, जोन को बचे थे अब एक मिनट। हाँ तो मैं बात कर रहा था यार कि इतना टाइम है यार, प्लीज़ यार मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है भाई, इंस्टाग्राम मतलब प्लीज़ फॉलो कर लेना यार, मोहक सक्सेना, मोहक अंडरस्कोर सक्सेना 13। तो भाई उसको भी आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लेना यार, और नई वीडियो जो अपकमिंग जो नोटिफिकेशन होगी मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। तो मैं सोच रहा था यार पता नहीं बंदे किधर ही हैं, थोड़ा सा कैंपिंग करने वाले हैं, दो बंदे बचे हैं, तो मैं यहाँ से फुल ईएसपी हैक लगा के निकल गया यहाँ से। भाई मैंने सोचा शैक में है, मैंने एक मौली की, इतने में मेरे को थोड़ा सा हीलिंग की आवाज़ आती है, तो वो नंबर वन कर रहा था अपना सिरिंज लगा रहा था, मैंने सोचा कि शायद वो हील कर रहा हो या फिर वो कुछ कर रहा हो, तो भाई मैंने एक और मौली फेंक दी, इतने में दवाई टूट गया तब भी नहीं मरा, तो मेरे को लगता शायद नंबर ही वन था, और मैं वहाँ से हट गया। मैंने कहा छोड़ क्या पता बंदा वहाँ नहीं है। अब भाई बचे थे सिर्फ दो बंदे, 2v2 का यहाँ था, बट मालूम पड़ता बाद में कि 1v1। मैंने एक प्री थोड़ा शॉट दिया, मैंने कहा भाई निकल, कहीं तो होगा बंदा, निकल तू, यहाँ है क्या तू, निकल, बट नहीं दिखा। फिर मेरे को लगता है भाई यहाँ से स्पॉट हो जाऊँगा, तो मैंने थोड़ा पीछे हुआ और लेट गया वहाँ पे, भैया अब बंदा दिख जाए, बस नहीं दिखता है। तो मैं थोड़ा सा अंधा अंधा नेट वेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कहीं तो हो कुछ तो हो, बट मैंने सोचा यार जब बंदा ही नहीं दिख रहा तो मैं मारूँ क्या, किसको मारूँ, छोड़ो। अब भाई आप गेम प्ले का मज़ा लीजिए, यहाँ पे मुझे दिखता है एक सांप, अब बचे थे एक। ओ भाई एक भाई इतना शाना था भाई, अब आप खुद ही देख लेना आगे एक बंदा कहाँ मिलता भाई, अनएक्सपेक्टेड बंदा, इतना शातिर निकलता भाई, लेकिन उसको मैंने देख लेता हूँ इसलिए उसको शातिर पना नहीं निकलता है। तो भाई मैं हर जगह कोशिश करता हूँ भाई दिख जाए, इधर होगा, इधर पिक लेगा, यहाँ होगा, नहीं दिखता बंदा। फिर बंदा कहाँ मिलता है वो आप
खुद ही देख लीजिए। Watch out! Watch out! Watch out! बट सेट शॉट। और हमको मिलता है विनर विनर चिकन डिनर विद द से 10 kills। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, और आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बजाना ताकि आपको हर नई वीडियो जल्दी मिले। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो नई न्यू डे पे डालूँ रोज़। इसको मिलता है बिग शॉट और गाड़ी फोन में म्यूजिक है, भाई ने अच्छा साथ दिया तो रैंडम भी अच्छे होते हैं इससे। और भाई इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना और लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करना। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।